ग्रेटर नोएडा के प्लास्टिक फैक्ट्री में आपको बता दें कि भीषण आग लग गई और आग पर काबू पा लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग ने आसपास जो है वो क्षेत्र में जो है इसके चलते कई तरह की जो भगदड़ है वो मच गई है और आग ने विकराल रूप जो है वो ले लिया है। आपको बता दें कि लोगों में इसके चलते भगदड़ मच गई है और फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए कि आग किन कारणों के चलते लगी है। तो 5 भाग की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ी आग बुझाने पहुंची है। एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल एरिया कासना क्षेत्र का एक पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा इकोटेक एक थाना क्षेत्र के कासना में स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से देर रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं कंपनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। 12:37 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि इकोटेक बस कासना ग्रेटर नोएडा प्लॉट नंबर 348 में फैक्ट्री में आग लगी। यह फैक्ट्री प्लास्टिक के बॉल से बाई प्रोडक्ट्स बनाती है। त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस की यूनिट यहां पहुंची है। मौके पे 12 गाड़ियां मौजूद हैं।